हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर एकेडमी देहरादून। और ये वीडियो है आपका, दोबारा से वही सीरीज जो मेरी चल रही है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस आरओ एआरओ। लगातार मुझे यूट्यूब के थ्रू जो है बच्चों से मैसेज मिल रहे हैं कि इस आने वाले एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ के लिए जो बुक लिस्ट है उस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो जल्द ही मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और पहले मैं 100 नंबर पे जो जीएस है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए क्या क्या किताबें हैं, और फिर जो आपका उत्तराखंड है उसके लिए क्या क्या किताबें हैं, और मैथ्स और रीजनिंग जो है इसमें सेक्शन जो है उसके लिए क्या किताबें हो सकती है, उसके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 6 अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का, जो मैं अब तक आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूँ। चलिए तैयार हो जाइए। फिर तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। आपको ये दो, एक तरफ ये जो आपके पीरियड्स या एरा है उनको दे रखा है, और किस पीरियड या एरा में कौन कौन सी एज होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको सही जो है वो मैच बताना है, किसका सही मैच क्या हो सकता है। आप लोग घड़ी में 10 सेकंड के हिसाब से लीजिए क्वेश्चन करने के लिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है आपका ए। ठीक है, यानी कि ये जो प्लिस्टीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं। जो पैलियोलिथिक एज है ये आपका ओल्ड स्टोन एज है, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज हो गया, और मीसोलिथिक जो है मिडिल स्टोन एज हो गया। ठीक है, और ये आपका कॉपर स्टोन एज। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये इंडस वैली के पहले का, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, भूले भटके एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अब अगर हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या है, ये जो आपकी पैलियोलिथिक एज है ये अप टू 10,000 BC तक मानी जाती है। इट वॉज डेवलप्ड इन पैलेस्टीन पीरियड। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दिस स्टोन एज इन इंडिया इन 1863। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये वाली एज इंडिया में कब, किसने खोजी थी और कब खोजी थी, तो आप टिक करके आएंगे 1863। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी कुछ मैं डाटा मैंने इकट्ठा कर रखा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिएगा, इसमें जितने भी आपके स्टोरी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए मैंने इसमें रखे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। इनमें से आपको चारों में से बताना है कौन सा मेटल था जो ह्यूमन बीइंग ने यूज किया। आपके पास 10 सेकेंड है। क्या वो सिल्वर था, ब्रॉन्ज है, या ब्रास है, ब्रॉन्ज है या कॉपर है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका जो आंसर है, जो द फर्स्ट मेटल वॉज यूज बाय मैन, दैट वॉज क्या था, कॉपर था। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तैयार किया मैंने। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज कॉपर। द पॉपुलरिटी ऑफ गोल्ड इज लार्जली ड्यू टू इट्स सैक्रिसिटी वैल्यू एंड मैनकाइंड्स फैसिनेशन विद द मेटल। कॉपर 4200 BC, द यूज ऑफ कॉपर इन एंटिक्विटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन द गोल्ड, एज फर्स्ट टूल इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन वर मेड फ्रॉम कॉपर। फिर इसीलिए इसका जो है क्या हुआ, ज्यादा इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग इट वाज यूज्ड फॉर। आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट मेटल टूल, जो भी टूल बनाया गया मेटल से, उसका सबसे पहला यूज किस में किया गया था। क्या पॉट मेकिंग में किया गया था, या हाउस बिल्डिंग घर बनाने में किया गया था, या क्लियरिंग जंगल्स में किया गया था, या मेकिंग व्हील्स में किया गया। आपको इन चारों में बताना है, ऐसा पहला मतलब कौन सा जो मेटल का टूल बना था उस टूल का पहला यूज किस लिए था। आप तो 10 सेकंड ले लीजिए, डिस्क्राइब कीजिए इस 10 सेकंड में कि इनमें से वो पहला मेटल टूल कौन सा हो सकता है।
चलिए 10 सेकेंड आपके खत्म होते हैं, तो वो था क्लियरिंग जंगल। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ जिसको आप लोग क्या बोलते हो, यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यहाँ पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे। इन्हीं जंगल को धीरे धीरे साफ करके खेती लायक मैदान बनाए गए और फिर यहाँ पे खेती शुरू की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए जैसे कि आपको अगला स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दब रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। क्योंकि इंडस के जितने भी शहर हैं आपको वो किसी ना किसी रिवर के किनारे मिले हैं, तो आपको बताना है कि हड़प्पा जो सिटी है पर्टिकुलर किस रिवर के किनारे है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो चार आंसर आपके सामने है, सरस्वती, इंडस, व्यास, रावी। निकाल से अब तक आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, तो उसका आंसर जो है वो क्या है, रावी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। अब अगर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये आपके कुछ हड़प्पन साइट्स हैं, आपको ये मगअप करना है क्योंकि अक्सर रिवर और साइट ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसे कि पहला आपका हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो, सिंध जिसको आप लोग क्या बोलते हो आज के टाइम पे, इंडस रिवर बोलते हैं उसके किनारे। ठीक है, चनुदाड़ो भी सिंध हो गया, यानी कि इंडस हो गया। लोथल, साबरमती, भोगवा, कालीबंगम, घग्गर, रंगपुर, मेदार, आलमगीरपुर, हिंडन जहाँ पे आज आपका यूपी में हिंडन एयरबेस है, उसके बाद बनवाली, सरस्वती, मिथाली, यमुना, कोटजी, सिंध और सुक्का गेंडोर आपका दक्षा। तो ये आपको जो रिवर्स हैं ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इश्यू अ फरमान इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। तो इसके कीवर्ड देखिए क्या कहा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने सूरत में फैक्ट्री ओपन करने के लिए ब्रिटिशर्स को बकायदा फरमान जो है, वर्ड यूज कर रखा है, फरमान जो है वो जारी की, आपको ये पता। चलिए आप लोग 10 सेकंड लीजिएगा और 10 सेकंड में बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है, कि वो फरमान का नाम क्या है। चलिए 10 सेकंड आपके हो गए और मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जहांगीर। जहांगीर जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी कि ठीक है भाई आप सूरत यानी कि गुजरात में जो है अपनी पहली फैक्ट्री ओपन कर लें। अब अगर हम लोग उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखें जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मुगल एम्परर जहांगीर परमिटेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1613 एट सूरत। ठीक है, एक फैक्ट तो आपको ये मिल गया, तो ईयर भी आपको मिल गया और जगह भी आपको मिल गई और मुगल एम्परर का नाम भी मिल गया। तो तीन तीन आपको फैक्ट मिल गए हैं, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा का लाइन देखें, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग इन स्पाइसेस एंड इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इन यूरोप बैक देन एंड इट वॉज यूज टू प्रिजर्व मीट। Then apart from this they primarily do trading in silk, उसमें भी करते थे ब्रिटिशर्स, कॉटन, इंडिको डाई, टी और ओपी। ठीक है, ये भी इनके मेन प्रोडक्ट्स थे, यहाँ से खरीदा करते थे और अपने यूरोप में जाकर बेचा करते थे। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड फरमान टू किसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं भाई कि किस ब्रिटिश अधिकारी को कैप्टन जहांगीर ने ये कहा था, मतलब ये फरमान दिया था, तो आप टिक करेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया। ठीक है, देन उसके बाद इन 1615 थॉमस रो द एम्बेसडर टू जेम्स फर्स्ट गॉट एन इंपीरियल फरमान फ्रॉम जहांगीर डूइंग ट्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज ऑल अक्रॉस द मुगल एम्पायर। तो देखो इससे आपको एक और अलग क्वेश्चन मिल रहा है ये फैक्ट से। अगर पूछता है कि पहली फैक्ट्री का, तो जहांगीर और विलियम हॉकिंस को आपको याद रखना है। और अगर ये पूछता है कि वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने ब्रिटिशर्स को पूरी जगहों पर, यानी जहां जहां मुगल एम्परर हैं वहां पर वो अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हैं कि फरमान जारी किया था, तो आप टिक करेंगे जहांगीर और किसको दिया था, आपके थॉमस रो को दिया था 1615। ठीक है, तो 1613 में सूरत में और फिर 1615 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये हक हासिल कर लिया कि भाई पूरे भारत में कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक, फिर उसमें अगर आप देखिए एक और पॉइंट, इन 1616 द कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मसूली पटन। उम्मीद है आप लोगों को ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे और ये आपके आने वाले आर ओ आर ओ के एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। देन यहाँ कुछ और मैंने फैक्ट्स इस रिलेटेड आपके लिए रखे, जैसे आप देख रहे होंगे जहांगीर वॉज बॉर्न इन
मर्जिया उस जमानी एन अकबर ऑन अगस्त 16th, तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो मुगल एम्पायर के हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश वॉर ऑफ सक्सेशन अंडर द ग्रेट मुगल्स वॉज फॉट अमंग द सन ऑफ, बहुत बुरी लड़ाई हुई थी भाइयों के बीच में, तो आपको बताना है वो कौन किस मुगल उसके थे। तो अपना 10 सेकेंड टाइम लीजिएगा। तो वो है भाई आपके क्या, शाहजहां। शाहजहां के बाद बहुत बुरी तरीके से बेटों के बीच में लड़ाई हुई थी और एट लास्ट, ठीक है चल नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच मुगल रूलर हैड द चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर कहते हैं, जो उसने टंगवाई थी कि भाई अगर जिसको न्याय चाहिए और उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो ठीक दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर वो न्याय की जंजीर टंगी हुई थी, जिसको बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसमें 60 से ऊपर घंटियां थी। अब आप वहां के बजाएं और राजा से यानी कि सीधे मुगल एम्परर से न्याय मांगे, तो वो कौन था? तो इसका आंसर है जाट। अगला देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स एक्नॉलेज द मुगल स्वे इन सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी एक्सेप्ट द रूलर ऑफ, यानी कि वो कौन था जिसने 16वीं सदी के आते आते लगभग सभी राजपूतों ने मुगलों की जो डोमिनेंसी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक को छोड़कर वो आखिरी टाइम तक लड़ते रहे, तो आपको बताना उनका नाम। 10 सेकंड लीजिएगा आप लोग और मुझे बताइए उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका मेवा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन देखिए क्या है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया जो हमारे यहाँ आया था वॉज हेडेड बाय, इन चारों में से उसका हेड कौन था, आपको ये बताना है कैबिनेट मिशन का। 10 सेकंड लीजिएगा आप लोग, क्या वो क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे या गेट्सकिल थे। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, भूलेगा नहीं, ये कैबिनेट कमिटी के क्या थे, चेयरमैन कह लो या हेड कह लो। अब थोड़ा अगर हम इसके बाद बारे में बात करें तो कैबिनेट कमेटी जो थी वो 1946 में आई थी, पैथिक लॉरेंस जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये इस कमेटी के हेड थे। और उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्री थे ये, और ए वी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉ ऑफ एडमिरल्टी। तो तीनों मेंबर बता दिए मैंने आपको नाम, उसके हेड का नाम मैंने आपको बता दिया और उनकी बकायदा पोस्ट क्या थी। और इस कैबिनेट मिशन का भारत ने ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर्स एज टू फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी इंडियन लीडर्स थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, कांग्रेस पार्टी के हों, डिप्रेस क्लास के हों, उनसे परमिशन लेना, उनसे एसेट लेना कि भाई वो भारत के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की बातें। और टू फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये भी कैबिनेट मिशन को डिसाइड करना था। और उसके बाद टू एस्टैब्लिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय, आपको बताना है किसने एडॉप्ट किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आंसर बताइएगा। जी जी, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आपको इसमें से आंसर बताने हैं। 10 सेकंड लीजिएगा और मुझे आंसर बताइए किसने, इन चारों से किसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, आपको ये बताना है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है भाई क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई इसने तो आपको क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया। उम्मीद है आपको फिर से जो मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन, इसमें से आप लोग का जो स्कोर है वो 7+ चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो आपकी तैयारी में भी कुछ कमी है, अपनी तैयारी को सुधारें। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने से ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप गूगल इक्वेटर दून ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे फ्री टेस्ट है आपका, उस टेस्ट पर अटेंड कीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना आता है।